फिलहाल बना रहे हैं ब्लॉग और वो भी आईफोन पर, और उससे भी बड़ी बात है, उससे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे शुरू है भाजी, और ऐसा वैसा मत समझना, मिर्चाई जी भाजी है। ओम ब्रह्मा रवणम ब्रह्मा वीर ब्रह्मा। तो यहाँ पे ये शुरू है प्रैंक कॉल करके। हसुना का कोने दादा, क्या आपके दांत में सफेदपन है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो, और सभी को राम राम। तो फिलहाल हम जा रहे हैं खामगांव को, वहाँ पे हमें काम है, और अभी आ रहा है श्री संत तुकाराम महाराज का बीजोत्सव। उसके लिए हमें बैनर लगाना है, मतलब बैनर डालने को जाना है प्रिंटिंग के लिए। तो इसके वजह से ब्लॉग शुरू किया था गाड़ी पे, बोलना नहीं आ रहा था इसलिए फिर से इंट्रो लेना पड़ा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब। चलो भाई अभी निकलते हैं खामगांव की तरफ। तो भाई अभी हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, उसका रस बोलते हैं, उषा का रस। इस साल का फर्स्ट ग्लास उषा का रस। इसमें भाई नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस अभी वजह है रात के 9, और हम आ चुके हैं प्रफुल्ल बाबू के खेत में। और जैसे कि आपने देखा ही, हमने बैनर डालने को गए थे हम, और हमारा बैनर भी आ चुका है, जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा वैसे तो। और फिलहाल यहाँ पे सभी मंडली जमा हुए है। तो यहाँ पे क्या है ये आगे दिखाता हूँ मैं। तो उससे पहले एक बात है कि हम फिलहाल बना रहे हैं ब्लॉग, और वो भी आईफोन पर, फर्स्ट टाइम आईफोन पर ब्लॉग बना रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है, उससे बहुत ज्यादा बड़ी बात है, आईफोन से भी बड़ी बात, जो कि मैं आखिरी में, मतलब इसके पूरे होने के बाद, मतलब यहाँ का कार्यक्रम होने के बाद बताऊंगा आपको। तो फिलहाल देखो सभी बच्चे यहाँ पे जमा है। तो देखो गाइस ये सभी बच्चे आ चुके हैं। बोला ना गाइस, इधर ही बोला बोला। तो यहाँ पे ऋषि भाऊ, अंकित दादा, अरे कहाँ पे भाग रहे भाई, अंकित भाऊ, और ये अमर दादा बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये नांगो भाई, और ये भविष्य दादा। इन्हीं के बारे में एक बात है, इन्हीं का ये फोन है, और बहुत अच्छी बात है इनके बारे में, आगे तो बताऊंगा ही मैं। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फ्री फायर। कहाँ है गाइस? ये यहाँ पे फ्री फायर खेलते हुए। तो चलो अभी बता देते हैं कि यहाँ पे क्या है। चलो भाई। तो यहाँ पे शुरू है भाजी, और ऐसा वैसा मत समझना, मिर्चाई जी भाजी है, मिर्ची की भाजी है। हो जाएगा। ओम ब्रह्मा वीर ब्रह्मा। दिनेश दादा या आतार पानी घ्या मागे फिका तुम्ही पाहू शकता, एकदम बढिया इथं भाजी तयार होऊ राहिली। इसमें से निकालेंगे पानी। भाऊ मिरची भाजी खाऊ खाऊ चालली आमची मसणार जवानी। ओ भाई साहब, जो पानी डालते हुए इसका क्या बोलते हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। भाजी खाना रे पाहून घेता। तो चलो ये तो हो ही जाएगा, पर यहाँ पे शुरू है इन बच्चों का प्रैंक कॉल। प्रैंक कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये शुरू है प्रैंक कॉल करके। हसुना का कौन है दादा? हसुना का। देखो गाइस अभी प्रैंक, दादा आवाज मोटा कर। शांत था, आवाज मोटा कर। तो फोन असा जर आवाज मोटा आहे। सगळे चुप बस जा। तो पाहुण्या नसला का
फोन के थे मतलब। अरे उतलते कि नहीं भाई, इससे पहले भी प्रैंक हुआ तो भाई प्रैंक वाले ने फोन उठाया नहीं जिसको हम प्रैंक करने वाले थे, और इससे पहले भयानक प्रैंक हुआ बट उसका वीडियो नहीं है हमारे पास फिलहाल। और बाकी बातें तो होती ही रहेंगी बट हमारी भजी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया से भाई क्या ही फ्लेवर आ रहा है। और हम ढाली गए कोना के लिए, हे भाजी के लिए प्रफुल शेट्टी ना बोलू भाऊ ना, हाँ तसा नहीं गए हाँ, क्या आपके तो उसमें बोल भाई क्या आपके दांत में क्या आपके दांत में सफेदपन है नहीं। तो चलो भाजी तैयार हो चुके हैं और ये है भावेश दादा की तरफ से, वो देखो आप खड़े हैं उनकी तरफ से, ये है आज का और अभी तैयार हो चुका है पूरा, और यहाँ पे बच्चे बैठ चुके हैं और भजन भी शुरू है अच्छे से आप देख सकते हो। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, दर्शन पञ्चदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। भाई अभी यहाँ पे भोजनम का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है और यहाँ पे बर्तन धोने का ये शुभ कार्य चल रहा है, प्रफुल बहू धो रहे हैं और ये प्रफुल बहू के खेत में शुरू है काम अंता माती भाई जी गाइस, लड़का बहुत काम का है, लड़की हो तो देखो लड़का बहुत काम का है गाइस, देखो लड़की हो तो अभी जाइए कि उसे कुछ करने का काम ना पड़े। हाँ मतलब हाँ सब ये करेंगे, भाभी को कोई काम नहीं। यूट्यूबर देंगे, यूट्यूबर देंगे। ऐसी बातें बताया नहीं करते, ऐसी बातें बताया नहीं करते, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये बातें बताने की नहीं होती है। और यहाँ पे छोटा सा कुआ है, इसमें से ये पानी निकाल रहे हैं क्योंकि वो बर्तन धोने के लिए पानी लगता है, और मुझे लगता है मैं बहुत ही फास्ट बोलने लगा हुआ क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे को, क्या ही बात है। तो भाई फाइनली यहाँ का सब कुछ हो चुका है और लाइट भी बंद कर दिया है वहाँ से, और अब सभी निकल रहे हैं घर की ओर अपने अपने लाइट मां गरी। तो भाइयों जब हम यहाँ पे आए थे सब कार्यक्रम के पहले मैं एक बात बताने वाला था, और पहले इसलिए नहीं बताई कि भाई लोग मतलब मानते नहीं, बहुत लोग नहीं मानते इस बात को, और अब तक वीडियो देखते देखते बहुत लोग छोड़ के भी चले गए होंगे। और एक बात बहुत मेन है कि भाई बहुत लोगों को नॉनवेज बहुत पसंद होता है, मतलब समझते नहीं कि क्या है,
तो एक वीडियो में ऐड करता हूँ श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का। जब आपके शरीर को एक सुई लगती है तो आपको कितना कष्ट होता है, तुम दूसरे शरीर को चाकू से काट कर रांध कर खा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम पाप कर रहे हो? एक विचार करके आप देखिए, दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वैसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गए। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए वो तुम्हें फल मिला। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। मेरे बताने की बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़े संत है, आप मानो या ना मानो, पर भाई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और भाई को मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि ये खाते थे, बट ये बचपन से इनको मतलब ये पता नहीं होता कि खाना नहीं चाहिए, तो ये बचपन से खाते थे, तो इनको ये पता नहीं था अच्छे से कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए। और जब हमने इनको फर्स्ट टाइम बताया ना यार कि मतलब खाना नहीं चाहिए ये, तो इन्होंने एक भी कुतर्क नहीं दिया कि ऐसा कि मतलब बॉडी के बारे में, या मतलब भाई लोग 50-100 मतलब इतने कुतर्क देने लगते हैं कि क्या ही बताए, बट इन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम उनकी बात सुनी। और ये बात एकदम दिल से कह रहा हूँ कि एकदम बढ़िया लगा भाई इन्होंने छोड़ दिया तो। और इनको पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपने कैसे छोड़ा, मन का निग्रह कैसे किया। मैंने प्रेमानंद जी का प्रवचन सुना, इससे मैं थोड़ा मेरे को मन को ऐसा लगा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने नॉनवेज का मैंने एक दो दिन पहले ट्राई किया कि मैं छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने सोचा, मैं एक दिन मटन की शॉप पे गया, मैंने देखा वहाँ पे उसको काटते हुए देखा, मैं गौर किया उस पर, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगा जो उन्होंने बताया था कि उनको काटते हुए कैसा लगता है। तो मेरे को वैसा दिमाग में आया थोड़ा कि नहीं खाना चाहिए, मेरे को उसका थोड़ा रिस्क ऐसा अलग ही लगा थोड़ा कि अपने को काटोगे तो अपने को हाथ को कैसा लगता है। उन्होंने मेरे को जो वीडियो में मैंने देखा उससे मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी आगे से तो अभी मेरी तो अभी एक महीना हो गया, 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए, मेरा ऐसा मन भी नहीं हुआ कि मैं खाना चाहिए करके। मेरे को बहुत दोस्तों ने भी बोला कि खा हमारे साथ, हम बाहर दो चार बार बाहर गए खाना खाने के, लेकिन नहीं खाया मैंने, मेरा मन भी नहीं हुआ। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, वैसा कुछ नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं इससे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, लेकिन अपने वेज में भी इतनी सब्जियाँ है। मैंने तो छोड़ा है, मेरे दोस्तों को भी बोला है, और मेरे कहने पे मेरे दो दोस्तों ने और छोड़ा है, अभी और दो चार को मैं मेरे साथ मिला के नहीं क्या, मेरे बाकी दोस्तों को भी छोड़ने के लिए बोलता हूँ। आप भी थोड़ा वीडियो देखिए महाराज जी का, उनके प्रवचन सुनिए, और आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो गाइस जैसे कि आपने इनके मुंह से सुना कि क्या परिवर्तन हुआ है, और आपने भी वो छोड़ना चाहिए, कुतर्क तो हर कोई देता है भाई, पर देखो मतलब ये बात मेरे को बताने मतलब दिल से बताने की ये थी कि बताए वीडियो में, इसीलिए हमने ये बताई है। और इनका भी सुना आपने, और प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो आप देखा करो, उससे आप समझ जाओगे कि क्या है भाई, मतलब क्या दर्द होता है कि आप किसी को काट के खा रहे हो। तो ये बात है, बस इतना ही बताना चाहता हूँ, लोग बड़े कुतर्क देते हैं, तो भाई जाने दो, जिनका उनका कर्म है वो देखेंगे। इसी के साथ में चलिए, अभी यहाँ का कार्यक्रम बढ़िया से हो चुका है इसी के लिए, तो चलिए भाई क्या ही बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि छोड़ दिया है, यही बात बार बार बताने की कोशिश मतलब। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय महाराष्ट्र।